आए दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ऑन एयर का ये खूबसूरत एपिसोड टू फ्रेंड्स इन टाउन। और हम आपसे वादे के मुताबिक इस खूबसूरत एपिसोड में फिर दो दोस्तों की कहानी फिर से लेके आ चुके हैं। और दिल्ली से आया मेरा दोस्त को सलाम करो मुंबई की इस खूबसूरत नगरी में। आप देख सकते हैं, सलाम भाई सलाम। ये काले चश्मे का राज क्या है? काला चश्मा तो क्या है कि वो आपकी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम थी तो ऑपरेट कराया था। ऐसा तो नहीं कि बजरंगी भाईजान का ये पुलिस पार्ट टू बनने जा रही है और ये आप ये उसका भी इंतजाम होने जा रहा है बजरंगी को पकड़ने के लिए। मैं जा रहा हूँ सलमान भाई से मिलने, अगर वो इजाजत देते हैं तो पार्ट टू बना लेंगे। अच्छा, दिक्कत है। बाकी ये है कि चश्मा तो ऐसे ही ऊपर से लगाया ताकि खूबसूरत दिखूँ, वैसे ये देखिए अंदर मेरा दूसरा चश्मा लगा हुआ है। और वो छोटा इसलिए ले रखा है कि वो इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने कहा था ये लगा के घूमना है, अब मुझे नजदीक में अगर कुछ पढ़ना भी है तो मैं ऐसे लगा लेता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है कि देखिए मनोज साहब, देखिए इस खूबसूरत मनोज साहब ने शायद ये हटा लूँ क्या? हाँ, नहीं शक्ल लोग पहचान नहीं रहोगे ना ये लगाऊंगा। तो दोस्तों, ये बजरंगी भाईजान का वही इंस्पेक्टर कुरैशी है जो बजरंगी को पकड़ने में कामयाब हुआ था और कैसे भाई को थप्पड़ भी मारा था। और नहीं मारा भाई साहब, यार ये मतलब थप्पड़ बोलते रहते सर, मेरी औकात है आप पहले ही बताओ। जो आदमी चश्मा नहीं बोल रहा उसकी औकात है? सलमान भाई किसी की भी औकात है टच करने की? नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ग्रेटनेस है सलमान भाई की। हाँ, चाहते मेरा सीन काट देते फिर भी बहुत पता ही नहीं किसी को। जैसे बहुत सारी पिक्चरों में मेरे सीन कटे हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं इतना बड़ा रोल कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो थैंक यू सलमान भाई। मनोज, मुझे लगता है कि आप इस कैरेक्टर में लगता है कि कुछ नया रोल कर रहे हैं या आप? हाँ, रोल कर रहा हूँ, अंधे का रोल कर रहा हूँ। देखिए देखते हैं इस दोस्ती की तकाजा अलग है लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आर्टिस्ट कितना जीता है। तो अगर जीना सीखना है मनोज बख्शी इज द एग्जाम्पल ऑफ यू नो जीना। नहीं, मेरी आँख खराब थी, मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर दूर से मेरे को ना क्लियरली मतलब धुंधला सा दिखता है। कह रहा था क्या सब कुछ धुंधला दिखता है? मैंने नहीं, सब कुछ तो दिख ही रहा है, पर स्पेशली जो हीरोइन आती है ना सामने से तो मैं ना पहचान नहीं पाता ये कौन है। अच्छा। तो उसमें क्या है कि कभी कभी वो अगर मेरे को जानती है तो वो गुस्सा हो जाएगी तो देखो एक एरोगेंट हो गया, इतना बड़ा एक्टर बन गया तो एरोगेंट, तो ये मेरे को पहचान नहीं रहा। इसलिए मैंने ये ऑपरेट कराया, ज़रा लेंस वेंस लगवाए, अब मैं किसी भी हीरोइन को दूर से पहचान जाता हूँ। लेकिन एक मेरा नुकसान भी हो गया ऑपरेशन, पहचान जाते हैं कि ये वो वाली है कि ये वो है। अच्छा, अब दूसरी, लेकिन इसको लगवाने से एक प्रॉब्लम हो गई है भाई साहब। प्रॉब्लम क्या हो गई कि पहले मुझे सभी खूबसूरत लगती थी क्योंकि ब्लर दिख रहा था तो मुझे पता नहीं चलता था कौन जवान है कौन बूढ़ी। अब मुझे क्लियर दिखने लग गया है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये जो है ये देखो इसके यहाँ पे बाल वाइट हो रहे हैं, इसके यहाँ झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो ये मुझे नुकसान हो गया यार। इसलिए भाई अगर चाहते हो पूरी दुनिया खूबसूरत दिखे तो चाहे मोतिया बिंदो हाथ में ब्लर दिख रहा हो बेटर है, खुश रहो। लेकिन मनोज, आप इस बार जब बम्बई से आप हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी सालों के बाद मिल भी रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ आपकी बाल काला काला का कुछ सिंबल चल रही है, क्या है राज भाई साहब? जब दूसरों के बाइक बाल दिखने लग गए तो अपने भी तो मुझे दिख रहे हैं ना, तो मैंने अपने काले करा लिया। किस पे करना चाहिए? नहीं, ये सोच रहे मैं इनके ऊपर कह रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ आप बाल काले मत कराइएगा, क्योंकि देखिए आपको देखिए इनको ये मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन ये देखने में आप बालों बाइक बाल से क्या लग रहे हैं? बहुत बड़ा कोई राइटर या बहुत बड़ा कोई डायरेक्टर लग रहा है ना? तो भाई साहब ये कह रहे हैं मुझे भी बाल काट के करानी है आपके ऐसे, मैं इनको मना कर रहा हूँ मत कराओ। ये देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि जब दोस्त पुराने होते हैं तो दोस्तों का सही संगत भी होना ज़रूरी है। आज बहुत इस खूबसूरत एपिसोड में मैं हमेशा कहता हूँ कि टू फ्रेंड्स इन टाउन में हमेशा किसी नए चेहरे नए दोस्तों से बात करते हैं। और आज मेरा दोस्त बॉम्बई दिल्ली से जो दिलवाला है वो बॉम्बई के शहर में आया है और आज फिर किसी नए फिल्म के साथ नए कैरेक्टर के साथ
आज बातचीत हो रही है, मैं मोहन साहब को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच, और आने वाली फिल्मों मुझे देखते रहिए, क्योंकि ये कम दिखेंगे आपको, क्योंकि ये रहते कैमरे के पीछे, तो नेचुरल है, नेचुरल। अरे हम लोगों ने तो मेरा काम ही है, मेरे को आगे देखना है। मोहन साहब, हम लोगों ने दो दोस्त ने फिल्म भी किया है, और रियलिटी शो भी आ रही है, और डिजिटल आप एक फिल्म इंस्टीट्यूट भी ला रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। जिंदगी भर तो घर में गाली खाई है, माँ ने भी चुपड़ियाँ मारी है कि ये गलत काम कर रहा है, एक्टिंग वैक्टिंग साड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो लास्ट मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले थोड़ा सा ऐसा काम कर ले जाऊँ कि बच्चे कम से कम इज्जत करें, कि हमारा फादर लाइब्रेरी, हाँ एक लाइब्रेरी बन जाए, दुनिया देखे, और मेरे घर वाले मेरे बच्चे खुश हों कि बाप ने कोई अच्छा काम किया, सिर्फ एक्टिंग नहीं करता रहा। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि आज खुशी की पहले की बात है, कल की बात है, मोहम्मद रफ़ी साहब के जो शाहिद बेटे हैं और फिरदौस भाभी शाहिद भाई की शरीक है, उनका बेटा है फुसैल जो US में अभी बैचलर इन फाइनेंस किया है, और इस देखिए म्यूज़िक इंडस्ट्री की उन्होंने भी इतने सालों से रफ़ी साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया में जिंदा है, उन्होंने भी एक मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट शुरुआत कर रहे हैं, और इतफाक से हम लोग वी आर द पार्ट ऑफ दैट म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, तो हमने ये बात रखी है, और आप भी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं बॉलीवुड वालों के साथ, जिसमें बच्चों को पूरी दुनिया के जो भी आपने एक्सपीरियंस फिल्में किया वो बच्चों से बांटेंगे, नए एक्टर से बांटेंगे, तो इस शुरुआत के बारे में क्या आप डिजिटल फिल्म अगर मोहम्मद रफ़ी साहब के फैमिली ने अंदर शुरू किया तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो एंसेस्ट्रल फैमिली होती है वो अगर किसी काम को कर रही है तो आपको पूरी गारंटी होती है कि यहाँ पे सचमुच हमें कुछ सीखने को मिलेगा या सचमुच कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा करने के लिए। बाकी जो दुनिया इंस्टीट्यूट खोल के आजकल बैठी हुई है, जिनको खुद एक्टिंग नहीं आती, वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं, तो उनसे तो कम से कम बेटर होगा ये चीज़। और हमें चूँकि खुद हम एक्टर हैं या वो खुद सिंगर हैं फैमिली है, तो उनको ये भी पता होगा कि ये स्ट्रगल क्या है और कहाँ कहाँ से स्ट्रगल करके बच्चे कहाँ से कैसे पहुँचना चाहिए, तो वो पूरा गाइडलाइन हम बच्चों को देते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही मनोज ने कि रफ़ी साहब की फैमिली जो म्यूज़िक इंस्टीट्यूट शुरू किया, फ़ज़ल साहब और फिरदौस भाभी शुरू करी शाहिद भाई की वाइफ, ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि आने वाले दिनों में मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, और मनोज भाई भी बॉलीवुड ऑनर के फिल्म इंस्टीट्यूट शुरू करें जो डिजिटल इस तरह से एक्टिंग पढ़ाई जा सकती है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि आज डिजिटल वर्ल्ड हो गया, हर बच्चे देखिए इस कॉन्वेंट में पूरी स्कूल इंडस्ट्री पूरी म्यूज़िक पूरी जितनी भी म्यूज़िक अदारे में यूनिवर्सिटी के सब बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल जो दुनिया थी वो चलती रही, चाहे वो म्यूज़िक चलता रहा, फिल्म चलता रहा, अमेजोन चलता रहा, नेटफ्लिक्स चलता रहा, यूट्यूब चलता रहा, डिजिटल दुनिया स्टॉप। तो आज इसी आज जो टू फ्रेंड्स इन टाउन का इसे खूबसूरत ब्लॉग है, मनोज साहब हमारे साथ है, बहुत खूबसूरत बात करती, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई कि आपने इतनी खूबसूरत बात करी, और डिजिटल की शुरुआत करें कि एक्टिंग की जिन्होंने भी इन्होंने काम किया, ये बात कम से कम आप लोगों को शेयर करेंगे, और आने वाले दिनों में एक्टिंग को एक एपिसोड के तौर पर 1 रुपीज़ कहने कहने कि ये 1 रुपीज़ कहीं ना कहीं इनके लिए 1 रुपीज़ के बारे में क्यों 1 रुपीज़ फीस रखते हैं आप, क्योंकि कोई भी शामिल हो सके, कोई इसके दिल में हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जिसके पास कुछ सुविधाएँ नहीं है, तो 1 रुपीज़ तो यार कोई भी कर सकता है, और हमें इसका एहसास होगा कि हाँ ये वाकई में करना चाहता है, इसलिए 1 रुपीज़ कहीं से भी लाके इसने किया है, और 1 रुपीज़ में बहुत बड़ी बात थी, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो इसलिए रखा गया कि उसकी सिंसियरिटी उसको पता चले कि सिंसियर होकर वो इस काम को सीखे। बहुत बहुत खूब मनोज भाई, 1 रुपीज़ इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं मनोज साहब, और मुझे आने वाले दिन डिजिटल जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, लाइव एक्टिंग सीखना चाहते हैं, मैं मनोज साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अपनी बात रखी, मैं आने वाले दिन एस्पायरिंग एक्टर्स मीडिया में अपनी अपनी छवि कुछ ना कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री में या मीडिया के किसी भी क्षेत्र में खास करके एक्टिंग में मनोज साहब का मन दिस आने वाले दिनों में एपिसोड को जरूर देखें, बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच टू फ्रेंड्स इन टाउन, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर कैप्चरिंग द कैमरा ऑफ दिस ब्यूटीफुल वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।